हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 19 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। कल आपसे एक सवाल किया था मैंने, उसका सही आंसर क्या होगा कि CRAR, इसका फुल फॉर्म पूछा था मैंने आपसे, और इसका सही आंसर होगा कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। पूंजी प्राप्यता अनुपात को पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। ये बैंक की पूंजी के जोखिम के अनुपात का एक अनुपात माना जाता है, तो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो के नाम से इसको जानते हो आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रस्पेक्टिव, पूरे भारत में समान समावेशी और सतत विकास में दिसंबर 2022 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में समग्र प्रदर्शन के मामले में टॉप 5 में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले जो है ना, वो अभी अभी रिसेंट उसकी लिस्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। उन टॉप 5 के सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों में से हरियाणा का जिला कौन सा है, तो उनमें हरियाणा का जिला है नूह जिला। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एग्जाम प्रस्पेक्टिव ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नू जिला जो है ना आकांक्षी जिलों में टॉप 5 में जो है ना आप लोगों का आया है, और ये पहले नंबर पे आया है। इंटरेस्टिंग बात तो यही है। चलिए मैं आप लोगों को ये पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि पहले नंबर पे जो है ना हमारा ये मेवात जो है ना, मेवात कहीं इसका पहले नाम तो एक्चुअली मेवात ही होता था, और ये जो जिला स्टार्टिंग में जब बना था ना आपका, ये जिला कब बना था, ये बना था आपका 4 अप्रैल को बना था, 2005 में बना था ये। तब उसका इसका नाम तब उस टाइम पे हुआ करता था सत्यमेवपुरम, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे मेवात कहिए या नू कहिए हरियाणा का, दो नंबर पे कौन सा है, इसके बाद में तो परफॉर्मेंस रैंकिंग में जो है ना बिहार का गया है, तीन नंबर पे असम का है बरपेटा, और उसके बाद में आगे जब जाते हो तो छत्तीसगढ़ का नंबर आता है आपका, फिर झारखंड का नंबर आता है, झारखंड में रामगढ़ है याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। लेकिन आप लोग टॉप 3 याद कर लीजिएगा, ये NF रहेगा आपके लिए। तो अभी रिसेंटली चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग दिसंबर 2022 के लिए बेस्ट प्रेजेंटिंग जो एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में या आकांक्षी जिलों के रूप में ओवरऑल परफॉर्मेंस आई है, और नंबर 1 मेवात की है। ये तो बात ठीक हुई सर, पर इसका मतलब क्या होता है, आकांक्षी रैंकिंग कहते किसे हम लोग। देखो इसका मतलब प्रॉपर ये होता है कि जो जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे होता है, डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत नीचे होती है, तो इन सभी लेवल को सुधारने में जो है ना आप लोगों का वो बहुत बड़ा योगदान है, वो इस ज़िले का है। सबसे ज़्यादा इसने कोशिश की है इस मामले में, इसी करके बेस्ट परफॉर्म किया है इसने, इसी करके इसका नंबर 1 स्थान आया है। फिर बिहार का है, फिर असम है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग इनको याद रख सकते हैं। अच्छा मैं मेवात की बताता हूँ आप लोगों की, हरियाणा का इवन भारत का पहला कबाड़ केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कहाँ पे खुला है, तो कबाड़ केंद्र भारत का पहला वो आपका यहीं खुला है, मेवात के अंदर या नूह के अंदर, ये ज़रूर याद रखना आप लोग। अच्छा मेवात जिले का गठन जो है ना, वैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के पुनर्गठन से ही निकला है आपका, वहीं से निकल के आया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, भारत का पहला मोबाइल कोड साल 2007 में मेवात में ही आया था। मेवात के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मरोड़ा गांव, इस मरोड़ा गांव का नाम जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नाम रखा गया है। और मेवात की 4000 एकड़ ज़मीन और गुरुग्राम की 6000 एकड़ ज़मीन, इन दोनों को मिला के दुनिया का सबसे बड़ा पार्क जो है ना बनाया जा रहा है, सफारी पार्क। अच्छा करंटली सबसे बड़ा कहाँ पे है, करंटली सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए शारजहाँ में है, जो कि 2000 एकड़ का है, ठीक है। और मेवात के अंदर पुनहाना ताउडू का किला, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध के रूप में माना जाता है। एक फिरोजपुर झिरका है, ये अंतिम कस्बे के रूप में जो है ना वो जाना जाता है आपका। वैसे इसकी स्थापना 4 अप्रैल को हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा ना वो हुई थी आपकी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के कारण ही इसकी जो है ना इसकी आपकी घोषणा हुई थी, इसी करके इसका नाम स्टार्टिंग में सत्यमेवपुरम रखा गया था, ठीक है ना। 2004 में इसकी घोषणा हुई थी, 2 अक्टूबर 2004 में कि ये जिला बनेगा, और स्थापना इस तारीख को हुई थी। और 2016 में इसका नाम जो है ना मेवात से बदल के जो है ना कर दिया गया था नू, गुरुग्राम के साथ ही इसका नाम जो है ना वो बदला गया था आपका।
और सबसे कम साक्षरता अगर 2011 की बात करता हूँ तो इसी जिले की ही है, वो कितनी है, 54.08% जो है ना यहाँ पे। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है ना वो इसी जिले का था आपका, वो कितना था, 907। अच्छा मैं आपसे पूछूँ करंटली सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, तो वो आपका है अभी फतेहाबाद का है, ठीक है ना, फतेहाबाद का है। कितना है सर, 950 है। सबसे कम किसका है करंटली, सबसे कम जो है ना वो है रेवाड़ी का है, 883 के अराउंड है। और वैसे तो ये हर महीने डेटा चेंज होते हैं, लेकिन मैं 2022 का ओवरऑल डेटा बता रहा हूँ, और पूरे हरियाणा का ओवरऑल 917 है, ये याद रखना, 2022 का पूरा अपडेटेड डेटा है ये। आगे बढ़ें तो अगला सवाल हमारा क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में किस जिले में हरियाणा रोडवेज के लिए नई अत्याधुनिक बसों की पहली खेप को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। तो हरियाणा रोडवेज के अंदर नई अत्याधुनिक बसें हैं वो शामिल हो चुकी है, और ये पंचकुला जिले से जो है ना इनको हरी झंडी दिखा के अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। 1000 बसों में से 75 बसों की खेप जो है ना वो बसों की मतलब बेड़े में जुड़ चुकी है, मतलब टोटल 75 बसों को रवाना किया था मुख्यमंत्री जी ने कल के दिन में। टोटल 1000 बसें जो है ना उनको शामिल किया जाएगा, 31 मार्च तक जो है ना 400 बसें शामिल कर दी जाएगी, अगले 3 महीने में पूरे जो है ना वो 1000 बसें शामिल होंगी, 550 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की भी सरकार की योजना है। आपको शायद अच्छे से पता होगा कि हम आजकल BS6 इंजन पे फोकस कर रहे हैं, और उसकी वजह भी क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक एथेनॉल पॉलिसी आई थी आपको याद हो तो, 2014 में आप पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग किया करते थे 1.5%। वक्त के साथ आगे बढ़े तो आपने 2000 जो आपका 18 था ना वहाँ पे एक फ्यूल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ पे आपने 5% पेट्रोल को, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को स्वीकारा। मतलब आप उस टाइम पे अगर पेट्रोल खरीदते तो आप 95% पेट्रोल लेते और 5% एथेनॉल। करंटली ये डेटा बढ़ के 5 से डबल हो चुका है, 10, यानी कि आज के टाइम में आप लोग 90% पेट्रोल लेते हैं, 10% जो है ना वो लेते हैं एथेनॉल। और आने वाले 2025-26 तक का टारगेट ये है कि हम इसे 20% कर दें, इवन अभी भी इसमें जो है ना काम चलना स्टार्ट हो गया है। अच्छा अगर पुराने इंजन का आपके पास में व्हीकल है तो अगर आप ये मिलावटी पेट्रोल यूज़ करते हैं तो इससे आपको एफिशिएंसी, एवरेज माइलेज है वो घट जाएगी, और आप लोग जो है ना प्रदूषण भी यूँ कहिएगा उस कम नहीं कर पाएंगे। तो BS6 अगर इंजन यूज़ करते हैं तो इस वाले पेट्रोल पे ये वाला इंजन बहुत परफेक्ट काम करता है, ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, पेट्रोल जो है ना उसमें बेशक मिला हुआ हो लेकिन फिर भी एफिशिएंसी देगा, क्योंकि इसी लेवल का इंजन क्रिएट किया गया है ये, इसलिए सरकार ने जो है ना ये नए इंजन वाली बसें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होगी, बजट में आपने मुझसे पढ़ी भी होगी कि 1 अप्रैल 2023 जो है ना हमारा आएगा, तो इस तारीख से जो है जितने भी आपके पुराने व्हीकल हैं, 15 साल से पुराने व्हीकल हैं ना, उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से चेंज करना है। भारत के सभी राज्यों के सरकारी जितने भी व्हीकल है, भी मान लो किसी राज्य का कोई नगर निगम डिपार्टमेंट या मान लो या कोई भी डिपार्टमेंट है जहाँ पर सरकारी कोई भी गाड़ी है, अगर वो 15 साल से पुरानी है तो उसको इमीडिएटली चेंज करना है, ऐसा बजट में कहा था। आपको याद हो एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने, ग्रीन ग्रोथ पढ़ाया था बजट में, तो उस ग्रीन ग्रोथ पॉइंट के चलते जो है ना ऐसी घोषणा की गई थी। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है हरियाणा के लिए कहिएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, कुछ इस टाइप की, खैर हरियाणा शक्ति की थोड़ी नई क्वालिटी की या यूं कहिएगा नई टेक्निक की बसें जो है ना वो एड ऑन की गई है। आगे बढ़ें और अगला सवाल हमारा है कि कृषि प्रदर्शनी, कृषि दर्शन एक्सपो 2023 हरियाणा में 18 से 20 फरवरी 2023 तक कौन से जिले में स्टार्ट होने वाला है। तो ये होने वाला है जी हिसार के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कृषि दर्शन एक्सपो 18 से 20 फरवरी तक होने वाला है, और ये कहाँ पर होगा, हिसार के अंदर होगा। हिसार में एक इंस्टीट्यूट है NRFMMTTI, इसका मतलब क्या है सर, ये है नॉर्थन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, सिरसा रोड के ऊपर पड़ता है ये, ISO सर्टिफाइड है, और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम डॉक्टर मुकेश जैन है, याद रखना है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर मतलब सिरसा हरियाणा के अंदर ही है, हरियाणा सिरसा रोड पे आउटर में है, जो हिसार संबंधित एरिया के हैं उनको अच्छे से पता होगा। ऑन रोड जब एक आप CIRB सेंटर से आगे जाते हैं तो ऑन रोड ही आपको दिखाई देता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना करते हैं या TTI के नाम से भी इसको जाना करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है।
चलिए आप मुझे कमेंट में एक बात बताइएगा कि भारत के अंदर कृषि मंत्री कौन है, भारत के अंदर कृषि मंत्री कौन है ये बताइए। और अच्छा, हरियाणा में कृषि मंत्री कौन है? हरियाणा में जेपी दलाल है, वही कानून मंत्री है और वही मत्स्य पालन मंत्री है। उन्होंने हाल ही में भिवानी के गिगनाऊ के अंदर एक इंडो इजराइल परियोजना का उद्घाटन किया था। कब किया था? 22 जनवरी 2023 को किया था, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। किस जिले के गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास होगा? इसकी घोषणा हुई थी तब भी पढ़ाया था, इस पे फाइनल मोहर लग चुकी है तो भी आज पढ़ा रहा हूं। और ये जिला कौन सा है? फतेहाबाद जिला जो है ना, वहां पे ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पे जो है ना यहाँ पे होगा, ये याद रखना। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 640वीं जयंती के उपलक्ष्य में जींद के नरवाना में जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और वहीं पे इसकी घोषणा की थी शुरुआत में। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि गुरु रविदास जी के नाम पे जो है ना होगी घोषणा, ये तो हुई थी। इसके अलावा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पे एक चेयर भी स्थापित की जाएगी और उनके जीवन अध्ययन पे उनके विचारों को जो है ना प्रचार प्रसार किया जाएगा। गुरु रविदास जी की जयंती को पूरे हरियाणा में 3 जगहों पर राज्य स्तरीय मनाया गया था। एक जगह थी यमुनानगर, एक था गुरुग्राम, एक था नरवाना, तीनों आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पे ही पीपली के पास में एक स्मारक बनेगा जहाँ पे एक बड़ा स्मारक और छात्रावास और स्कूल भी जो है ना स्पेशली बनाया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज बीइंग सेट अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा के कौन से जगह पे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बन रहा है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हरियाणा में बन रहा है, कहाँ पे? पंचकुला में। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला में 270 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है, ऐसा अभी हाल ही में अनिल विज जी ने इसकी घोषणा करके बताया है। जहाँ पे 250 बेड का अस्पताल होगा, 500 डॉक्टर जो है ना वहाँ पे बन के निकलेंगे, मतलब वहाँ से बैच निकलेगा कहने का मतलब है। और इसके अलावा नूह में यूनानी कॉलेज बनाया गया है, अंबाला छावनी में होम्योपैथिक कॉलेज, ठीक है ना, और लगभग 569 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर और 4 आयुर्वेदिक अस्पताल और 6 आयुष प्राथमिक स्वास्थ्य अस्पताल और 19 यूनानी अस्पताल हरियाणा में बनाए गए हैं। अभी तक का ये डेटा है जिसमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो बनाया जा रहा है। पंचकुला की बात आज 2 बार हुई है, तो अगर मैं पंचकुला की बात करता हूं तो पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 816 वर्ग किलोमीटर है। पंचकुला की तहसील में पंचकुला और कालका आता है, बरवाला, मोरनी और रायपुर रानी भी इसमें इंक्लूडेड है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो इसको नदियों का शहर भी कहते हैं, नैनो सिटी, ड्राई सिटी और 5 कूप के नाम से भी इसको जानते हैं। पंचकुला में सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर है, HSSC और HPSC का भी हेडक्वार्टर है, हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर है और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला के अंदर ही है। अगर चंडी मंदिर कंटोनमेंट एरिया की बात करते हैं तो यहीं पे ही है। और एक आप में से मुझे कोई बता सकता है, यहां पे थोड़े समय पहले एक युद्धाभ्यास हुआ था, कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था कोई बता सकता है तो बताना मुझे आप लोग कमेंट में। मैंने पढ़ाया था एक दिन करंट अफेयर में, तो ही करके पूछ रहा हूं। पंचकुला के पर्यटन स्थल कौन से हैं? मोरनी की पहाड़ी है, यादविंद्र गार्डन है, यहाँ पे आम मेला लगता है, याद रखना। इसको फिदई खान ने बनवाया था, रेड बिशप भी है, रामगढ़ का किला भी है यहाँ पे, रानीपुर का किला भी यहाँ पे फेमस है। पंचकुला में वीर शिकारगढ़, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, 1975 में ये बना था यहाँ पे, और यहाँ पे सांबर, चील, नीलगाय ये देखने को मिलते हैं। खोली रेतान भी है यहाँ पे, यहाँ पे चित्तल, जंगली बिल्ली, शियार, जंगली बंदर ये सब पाए जाते हैं। पंचकुला के प्रजनन केंद्रों की बात करते हैं तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, काला तितर है, चिड़िया प्रजनन केंद्र है, रेड जंगल पाउल है, फिनसेंट प्रजनन केंद्र भी है। और पंचकुला के मेलों की बात की जाए तो काली माई का मेला है, बैसाखी महोत्सव है, आम मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आम मेला, और ये पिछली बार 29वां आम मेला लगा था यहाँ पे पिछले साल 2022 में। पिंजौर परंपरा मेला भी यहाँ पे लगता है। फिल्म सिटी के रूप में भी पंचकुला को घोषित किया गया है, पिंजौर को। और एक बात याद रखना, हरियाणा का पहला पर्यटन हब 29 सितंबर 2021 को पंचकुला के मोरनी टिक्कर ताल को ही घोषित किया गया था। चलो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन में यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपको मैं अगले ही क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। और घुमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये एक आपका फोक डांस है घुमरा, ये कौन से राज्य का है? घूमर नहीं है, ध्यान रखना, ये घुमरा है।
उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है या कर्नाटका का है, बताइए विस्तार से इसके बारे में। स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मिलते हैं आप लोगों को अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल अवश्य रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।